अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे रमज़ान इफ्तार स्पेशल पालक और प्याज के भजिए। आइए देखते हैं रमज़ान इफ्तार स्पेशल पालक और प्याज के भजिए कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। के लिए हमें चाहिए पालक, देखिए ये एक कट्टा है पालक का, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरीके से कट कर लिया है। और हमने लिए एक बड़ी प्याज, इसे हमने चॉप कर ली है। हरे मसाले में हमने लिया है थोड़ी सी कोथमीर और एक हरी मिर्च ली है, उसे हमने चॉप कर ली है। देखिए अब हम एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे पालक की भाजी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज चॉप कर लिए सो, हरा मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कोथमीर और चॉप कर लिए सो हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। अब हम डालेंगे 1 पिंच कुकिंग सोडा। देखिए 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे, देखिए इस तरीके से क्रश कर डालेंगे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए बैटर इस तरीके से रहना चाहिए भजियों का। अब हम इस बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम भजिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली और तेल भी गर्म हो गया है। देखिए इस तरीके से भजिए डाल लीजिए। देखिए तेल गर्म हो गया बाद फ्लेम मीडियम कर डालिए। देखिए इस तरीके से टर्न कर लीजिए। अब हम मीडियम फ्लेम पे रखकर गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेंगे। देखिए भजिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दूसरा बाज भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम सारे भजिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए पालक और प्याज के भजिए डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए पालक और प्याज के भजिए डिश आउट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप स्नैक्स में बना सकते हैं, आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और ये आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।